हमारे तरफ से पूरा महाराष्ट्र की तरफ से हम आपको सब लोग को विनती कर रहे हो, जयराम महतो का सपोर्ट करो। असली हीरा झारखंड के कोयला के खानों में एक असली हीरा आप लोग को मिल गया है, तो ये हीरे को आप लोग सपोर्ट कीजिए। जोहार साथियों, जोहार झारखंड। इस वक्त हम है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में और विधानसभा यहाँ टुंडी पड़ता है, और आज हम जयराम महतो का प्रधान कार्यालय के सामने हैं, और मुंबई से सैकड़ों के संख्या में मराठी मानूस जयराम महतो का समर्थन करने के लिए आए हैं। जब जयराम महतो मुंबई गया था, ये भाई साहब ने वादा किया था कि जयराम आप झारखंड में जब चुनाव लड़ेंगे तो हम सैकड़ों के संख्या में झारखंड आएंगे। वो दादा अपना जो बात बोले थे वो पूरा किया, वही दादा से आज हम बात करने के प्रयास करेंगे कि जयराम महतो में क्या गुण है जो मुंबई से आपको झारखंड आना पड़ा। सबसे पहले दादा जोहार। सब लोग को, सब साथियों को मेरे तरफ से, महाराष्ट्र तरफ से हम जोहार करता हूँ। तो आप कब आए हैं यहाँ पर? मैं आज 5 दिन हो गया। तो कल के सभा में, जो बेरमो विधानसभा में आप देखे हैं टाइगर जयराम महतो का, आपको अनुमान कैसा लगा? अनुमान तो मेरे को ऐसा ही लगा है मेरे दिल से कि वो जयराम महतो तो टाइगर जीत के आया है, खाली चुनाव वोटिंग देने का बाकी है, वो खाली प्रोसेस करने का है। वो शहर एक आदमी के दिल से वो तो जीत कर आए है। क्या कल अनुमान लगाया, कितना का भीड़ था? बहुत भीड़ थी, वो जो मैदान पूरा भरा था। अपने अपने खर्चे से सब माँ बहन भाई लोग सब लोग अपने खर्चे से अपने घर वाले गाँव वालों से गाड़ी लेके वो आ रहे थे, और सभा चालू होते ही वो लोग सब लोग माता बहन भाई लोग उनको चंदा भी देते थे। तो ये मेरे को पहली बार भारत में ऐसा चुनाव चुनने वाले में साथ में आज मैं पहली बार देखा, मेरे सामने मेरे आंखों से देखा। कभी महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था? कई बार हुआ था, लेकिन लोकसभा के लिए खड़ा रहने के लिए कोई ऐसा एक दूसरा घटना हो गया होगा, लेकिन इतना ज़्यादा प्यारा और इतना ज़्यादा चंदा देने वाले और इतना सबसे भीड़ अपने तरफ से अपना खुद से गाड़ी से आके आने वाला, इतना मैं आज तक कभी नहीं देखा है। तो क्या मुंबई जब गया था टाइगर जयराम महतो, लगता होगा कि आप लोग के कि बड़ा कोई नेता होगा, और आपके सामने जब गया तो कैसा लगा आपको? नहीं, हमें जब मिला हो जयराम महतो टाइगर, तो ये बंदा हमें तभी मालूम हो गया कि एक मजदूर घर का और खेती करने वाले का एक सामान्य कुटुंब का ये लड़का है, जिसका डैडी तो शहीद हुआ है अपने झारखंड के लिए मोर्चा में, उसको सहारा नहीं, उसके पास बड़ा बड़ा घर नहीं, ना गाड़ी नहीं, ना कोई नहीं, लेकिन एक जयंती का विचार प्रेरित होके सब लोग को विचार प्रेरित करके उन्होंने 2 साल में जो इतना आदमी के ऊपर अपने दिल के ऊपर राज किया सब लोग को, ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या लग रहा है अभी देख रहे हैं आप, गाँव जाके घूम रहे हैं टाइगर जयराम महतो के साथ, कल भी रहें, आज भी हो सकता रहेंगे, कल भी डुमरी के ओर उसका सभा है, तो आप गांव घूर के घूम रहे हैं, तो कैसा लग रहा है, पब्लिक कैसा विचार दे रहा है? हमारे टीम अलग तरह से हम लोग गए, खाली आप लोगों का हम बोल रहे हैं, खाली गांव दिखाने को बोले हैं हमने आप लोगों को, लेकिन वो जिधर हमारा गाड़ी रुकता उधर ही आप लोगों को हमने रुकने को बोला। हम खुद उधर हमारी टीम गए अंदर, जिस घर में हम जाता है बुजुर्ग दादा को बोलता है, भाई को बोलता है, बहन को बोलता है, माता जी को बोलता है, तो सब लोग बोलता है इधर टाइगर की हवाएं, टाइगर की हवाएं, जयराम महतो इधर चुनाव जीत के आने वाला है। सब घर में कौन सा भी गली में जाएगा वो बात होगा, छोटा छोटा वाड़ी बस्ती में जाएगा उधर ये बात हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में जाएगा उधर ही बात हो रहा है, जहाँ वहाँ जिधर जिधर हम देख रहे हैं, ये गिरिडीह हो जो चुनाव में क्षेत्रों में जितना भी पूरा गाँव आ रहा है, तो सब जगह पे उनका ही नाम है जयराम महतो जीत के आया ही लग रहा है सबको। ऐसा कभी हुआ था महाराष्ट्र में, कभी गाँव में गली गली में एक तरफा सुने थे कि टाइगर कभी वहाँ का नेता के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा हुआ था कि वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, चंदा भी दे रहे हैं, कभी सोचे थे इसे? नहीं, मेरे को जब मैं महाराष्ट्र में था तभी मेरे को ऐसा लग रहा था कि इतना गरीब आदमी है, इसको कौन चुनाव में ले सकता है, कोई इतना बड़ा बड़ा राजनीति में पार्टी काम करने वाला 50 साल 60 साल, तो पैसा से सबसे सब बड़े है, तो इनके सामने ये बच्चा कैसा जाएगा? लेकिन उन्होंने अपना विचार लोगों के सामने डाला, और वो लोगों ने वो तय किया है कि ये जो बोल रहा है वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, सबके दिल की बात, झारखंडवासी का पूरा दिल की बात वो अभी बोल रहा है, नहीं बोलने वाला नहीं, करके दिखाने वाला बंदा है, मेरे को दिल में लग रहा है ये कुछ ना कुछ तो बना के रखेगा और बनाएगा, पक्का बनाएगा। तो क्या लग रहा है, जो यहाँ से प्रवासी मजदूर मुंबई जा रहा है उसी के लिए जयराम महतो बोल रहा है कि अपने लिए बोल रहा है? नहीं नहीं यार,
मैं सब लोग को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, उसके दिल में बहुत चोट लगी है। हमारे शहरों में हमारे माँ बाप सब लोग परिवार छोड़ के, रिश्तेदार छोड़ के, ये सब लोग बंदे 2000, 2500, 3000 इतना लंबा तक काम करने लिए, पेट के लिए जा रहा है। जब हमारे घर में कुछ ऐसा प्रसंग आ जाएगा कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, उधर कुछ हो गया, गुजर हो गया, तो उधर हम पहुँच सकता है क्या? ऐसा सोचने वाला ये दुनिया में आज तक अभी ऐसा आदमी नहीं है। भगवान ने उसको आपको गांव में सेवा करने के लिए भगवान ने भेज दिया, भगवान के रूप से भेज दिया है, ऐसा हमें लग रहा है। तो क्या लगना ही से रहता है? हम उनके घर में गया, उनका माँ भी बहुत बोलेगा तो उनका भी ज़्यादा वही हो चुका है। उनका जो चाचा है उसको आँखों से वो देख नहीं पा सकता है। अपना जो लड़का, उनको तो बाप, उनका डैडी तो गुजर गए हैं, शहीद हुए हैं, तो उनको घर में ये दो आदमी, उनका भाई है, तो उनको चाचे के साथ हमने बात किया, तो हम बोला चाचा जो आपका जो लड़का ये जनता के लिए काम कर रहा था, आपको दिल में क्या लग रहा है? तो उनको आँख में दिखता नहीं, लेकिन उसने आँख से जो आंसू आया, पानी आया, उसमें तो लग रहा है कि सोने चाहिए जैसा एक एक थीम नीचे गिर रहा है कि जनता के लिए एक काम करने वाला हीरा उनके चाचा के मोती से, मतलब डोले से नीचे आ रहा है। वो अपना काम करेगा, पब्लिक को दिया हो वचन के लिए काम करेगा, भले जान जाएगा तो भी वो पीछे हटने वाला बंदा नहीं है। ऐसा ये बंदा है, सब लोग उनके पीछे पीछे लग रहे हैं कि तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो। मेरे को तो ऐसा लगा कि कुछ उन्हें चुनाव के टाइम जब वो फॉर्म भरने को गया तो उनको 2000 या 3000 कोई पुलिस अरेस्ट करने को आए थे, लेकिन लाखों का जब भीड़ सामने हो गई और कौन सा गुना भी उनके पास नहीं है, तो जब पुलिस ऐसा गलत काम करते थे तो पूरा हिंदुस्तान में उनको चाहने वाले जो लोग हैं पूरा हिंदुस्तान में टाइगर को, वो सब लोग इकट्ठा होकर झारखंड की तरफ से आने वाले हैं और आज आएंगे, आज भी आ रहा है पूरा हिंदुस्तान में टाइगर के लिए सपोर्ट करने लिए, उसका विचार श्रेणी के लिए सपोर्ट करने के लिए। वो जात मानता नहीं, का धर्म मानता नहीं, कोई गरीब श्रीमंत मानता नहीं, वो खाली मानता है अपना विचार और अपना लोगों को क्या करने का उसकी भलाई में। हम किसी पार्टी के लिए नहीं आया, कोई आदमी के देख के बोले कोई राजनीति के लिए हम नहीं आए, हम खाली जयराम टाइगर का जो काम है वो जनता के लिए, वो रास्ते में उतर के काम कर रहे हैं उनके लिए सपोर्ट करने के लिए हम महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं तो 1000 लेके आदमी लेके आने वाला था, लेकिन उन्होंने ना बोला, हमारे पास मकान नहीं, घर नहीं, आपका देखभाल कौन करेगा, खाना किधर से देगा? इसके लिए उन्होंने बोला मत लाओ। अब बोल दिया ठीक हो गए, लेकिन मेरे को अभी भी ऐसा मेरा दिल कर रहा है कि और 10-20 दिन मेरे पास में होता तो मैं कम से कम 500-1000 तो लोग का अभी भी बुलाता था इधर में उसका प्रचार करने के लिए, हम पैदल चल के बात करने के लिए, लेकिन अभी टाइम बचा नहीं इतना कि प्रचार खत्म होने वाला है। तो जैसे कि जो हेमंत महतो है जो बेलापुर में सभा करवाया था, उससे हम इंटरव्यू लिए तो बोला कि ट्रेन में भर भर के टाइगर के लिए प्रवासी मजदूर झारखंड आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ झारखंड में जितना भी पब्लिक पूरा स्टेट में जब बाहर है सब लोग, उनको आने के लिए गाड़ी कम पड़ रहा है, गाड़ी में जगह नहीं मिल रहा है। कोई लोग को जो ट्रक मिलेगा कैसा इधर उधर का गाड़ी मिलेगा, आधे आधे रास्ते में आके वो लोग आ रहे हैं ये तरफ से। हमारे जो ये भाई है ये झारखंड का है, हमारा महाराष्ट्र में वो पेट के लिए गया है, तो उन्होंने एक संगठन, उधर झारखंड वाले लोगों का उन्होंने संगठन किया है, वो बच्चे बीवी बच्चे सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ में कुछ चल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इनको देखने के लिए कि इधर इनको बच्चे ये लोग कैसे हैं हमारा राज्य का, इसको देखने के लिए वो उधर हमारा महाराष्ट्र में वो आया टाइगर, जिसके पास गाड़ी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, साधन नहीं, लेकिन वो अपना खर्चा करके अपनी तरफ से इतना छोटे छोटे राज्य में कोई कंपनी हो उधर जाके ये मजदूरों का अपना गाँव वालों का जो पुस्तक करना वाला आदमी है, तो इससे ज़्यादा ये दुनिया में क्या मिलेगा? पैसा दे के तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन प्यार तो नहीं मिल सकता है। तो इन्होंने प्यार कमाया है सब लोग का, वो क्या कर, उसके पढ़ाई भी ऊंची हो ले, ऐसे भी नहीं कि वो कुछ उठेगा और कुछ भी बोलेगा और कोई सुनने के लिए खड़ा रहेगा, ऐसे भी नहीं ना। PhD उसने PhD किया है, उनको शिक्षण अच्छा है, उनको मालूम हो गया है कि जो अभी यही हालत में हम लोग हमारा विचारधारा लेके आगे नहीं जाएंगे तो हमारा आने वाला और भी पीढ़ी कितना हम बर्बाद कर रहे हैं हमारे हाथ से। तो सब लोगों को उन्होंने संदेश दिया है, अभी तो हमारे पास राजनीति में हम जाना चाहिए,
जिधर जिधर चांस मिलेगा उधर हम लोग काम करेंगे। वो जो जो है शासन निर्णय जो बदलना पड़ेगा उधर हम लोग अपने भीड़ की तरफ से लोगों के सपोर्ट की तरफ से हम बदल लेंगे और उसमें हमारे लोगों को हम न्याय देंगे। उन्होंने अपने तय किए है अपने जान में कि हम ये करने वाले हैं, करके दिखाने वाला ये आदमी है। हम अभी देख रहा है जिधर जा रहा हो जयराम मोहितो टाइगर 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 टाइगर। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप वहाँ जो सतारा से आप आए हैं ना? जी हाँ, सतारा। तो सतारा से कौन सा जगह से आप सरपंच है? मैं हमारा महाराष्ट्र में सरपंच का संगठन में, जब हमारा महाराष्ट्र में 27,000 सरपंच है उस संगठन में भी मैं काम किया है। हमारा मिनिस्टर जो है सरपंच संगठन का एक परिषद हुआ था हमारा शिरडी में, उधर भी हम लोग गए थे। तो वो सभी में हम गए थे सरपंच और संगठन के लिए काम करने के लिए, तभी हमारा महाराष्ट्र के भी मिनिस्टर लोग भी उधर आए थे। तो हमें जैसा लग रहा है कि हम अभी इधर आएगा, हम देखा तो कितना पीछे ये झारखंड हो गया है। दिल में थोड़ा हमें बहुत दुख हो गया कि जिस झारखंड से इतना बड़ा कोयला पूरा देश में जाता है, पूरा आर्थिक स्ट्रांग बनाने में इधर का जो काम है वो भी बन रहा है, लेकिन इधर लोगों को मजदूरों को काम नहीं, ट्रांसपोर्ट वाले को काम नहीं, स्थानीय रहने वालों मजदूर को काम नहीं। ये तो बहुत शोकांतिका की बात है और ये बदलना जरूरी है अभी, और बदलने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जादू की कांडी उनके हाथ में, आज बोलेगा कल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने शुरुआत तो अभी किया है। तो सब लोग इस शुरू में शामिल हो जाएंगे तो बहुत बड़ी क्रांति बन जाएगी और ये क्रांति से झारखंड आगे जाएगा। इसके लिए हम हमारे तरफ से, पूरा महाराष्ट्र की तरफ से हम आपको सब लोग को विनती कर रहे हो, जयराम महतो का सपोर्ट करो। वो राजनीति के नीति के लिए नहीं, उनका विचारधारा को सपोर्ट करो। वो विचारधारा जो उनके पास है वो आपके सब लोग को न्याय देने का वो काम पक्का करेगा, ये हमको विश्वास है। लास्ट सवाल आपसे पूछना, यहाँ का मजदूर जो प्रवासी मजदूर है मुंबई जाता है, और मुंबई कितना कठिनाई से रहता है, 10x10 के रूम में कितना आदमी रहता है वो आप बताना। अरे मुंबई में 10x10 क्या, 3x6 में भी रहना पड़ता है। एक खाट रखेगा उसके ऊपर सो जाएगी, उधर ही नहाना बिना बाहर करेंगे, जिधर जगह मिलेगा। देखो अपना गांव में जो हम पशु संभालते हैं कुंबड़ी, उसको खुरड़ा बना देना छोटा घर, उस तरफ से बम्बई में जाएगा, बड़ा बड़ा शहरों में जाएगा तो वैसे तरफ से रहना लगता है, क्योंकि पेट के लिए आता है ना, जिधर जगह मिलेगी उधर रहना है ना, तो जाएगा कैसा, ऐसा भी बात है। लेकिन ये सब बदलाव लाने की ज़रूरत है। बड़ा बड़ा कंपनी इधर आएगा, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज इधर आएगा, तो ये जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं उनको तो इधर काम मिलेगा ना। आप योग समझो बदलाए तो अपना गांव बदलेगा, अपना शहर बदलेगा, अपना राज्य बदलेगा। तो ये बदलाव लाने के लिए वो अभी काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको सपोर्ट करो। पार्टी आती जाती है, पक्ष आता जाता है, सब हो जाता है, लेकिन ऐसा आदमी कहीं कहीं सालों के बाद आदमी के लिए काम करने वाला मिलता है। उसमें एक ये असली हीरा झारखंड के कोयला के खानों में एक असली हीरा आप लोग को मिल गया है, तो ये हीरे को आप लोग सपोर्ट कीजिए। यहाँ का जनता बोल रहा है, गांव-गांव में हम जाते हैं तो यहाँ का जनता बोल रहा है टाइगर जीत गया, टाइगर का ओनली 4 सर्टिफिकेट का जरूरत है जो 4 जून को मिलेगा, वो सब जनता बोल रहा है टाइगर जीत गया। ये तो बात आप सही बोल रहे हो, भारत का नया संसद भवन का एक इमारत नया बन गए है, तो मैं आपको सबको अपील कर रहा हूँ कि नया संसद में जो जाने वाला इस चुनाव में जीत कर जाने वाला, जिनके पास राजनीति में कोई सपोर्ट नहीं, ऐसा आदमी पूरा हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा वोट से वो जीत कर जाएगा, वो लीडर करेगा तो पूरा इंडिया में उनका नाम होगा, ज़्यादा वोट से वो जीत कर जाने वाला है, ये क्रांति बनाएगा और उसका आवाज़ या अपना दिल्ली का संसद में वो अपना आवाज़ अपना झारखंड का आवाज़ खड़ा करेंगे, आपको न्याय देंगे वो। ठीक है, देख सकते हैं जो दादा महाराष्ट्र से टाइगर जयराम महतो का समर्थन करने आए हैं, और दादा का विचार आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड, नमस्ते।